Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. ये लो बहु रानी, ये धन अब तुम्हें ही संभालना है। जाते जाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्र, कि तुम कुछ भी बुरा ना करो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम जो भी करो अच्छा ही करो। सुख शांति समृद्धि के भागी बनो पुत्र। सदा सुखी रहो, चिंता मत करना, गोपाला की दया दृष्टि है तुम पर, वो सब भला करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि इनकी दया दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहे। धन्य है ये माता पिता जो पुत्र और पुत्र वधु के इतने दुर्व्यवहार के बाद भी उन्हें शुभाशीष दे रहे हैं। पुत्र दिवाकर, हमारे प्रभु गोपाला को ले आ, अब हमें चलना चाहिए। आशा है तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। चलो, चोरी का कुछ तो लाभ हुआ, पुत्री मालती घर की स्वामिनी तो बन गई। सत्यवती, लीजिए ताऊ जी। चोरी करने मैं ही आया था। किंतु उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? न्याय करना उचित नहीं है,
तो फिर सहना भी उचित नहीं है गजानन। पुंडलिक के माता पिता ने इतना अपमान क्यों सहा? जो सत्य था उसे उजागर क्यों नहीं किया? पुंडलिक का अपराध क्यों छिपाया और सारा दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया? संतान के लिए माता पिता सदा त्याग करने को तत्पर रहते हैं पुष्पदंत जी। ऐसा ही जानुदेव और देवी सत्यवती ने भी किया। वो नहीं चाहते थे कि पुंडलिक से उसकी पत्नी का विश्वास उड़ जाए, पति पत्नी में फूट पड़ जाए और उनके पुत्र की गृहस्थी उजड़ जाए। किंतु प्रभु, अपराधी को कोई रोके नहीं, उसे उचित दंड ना मिले तो उसे बढ़ावा ही मिलता है। जो भगवान में विश्वास रखते हैं वो सबके भीतर भगवान को एवं भीतर छिपी अच्छाई को ही देखते हैं। और फिर पुंडलिक के माता पिता ने तो उसे भक्ति में डूबा हुआ भी देखा था। उसी का स्मरण कर वो भी उसे सुधरने का अवसर दे रहे थे। वो अपना सर्वस्व त्याग कर रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि पुंडलिक अपनी भूल समझेगा और फिर अधर्म का त्याग कर धर्म के पथ पर आ जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ? क्या उनकी आशा सिद्ध हुई? क्या पुंडलिक ने अपनी अच्छाई का प्रमाण फिर से दिया? माँ सत्य कहती थी तो उन्हें नहीं, मुझे जाना होता। आई तो उसे अपनी भूल का आभास होगा। मेरा पुत्र और अधर्म नहीं करेगा और पाप से स्वयं को बचा लेगा, हमें रोक लेगा। अब ये क्यों आगे बढ़ रहा है? कहीं माता पिता का प्रेम तो नहीं जाग गया इसके मन में? कैसा पुत्र हूं मैं, अपने ही माता पिता को घर से बेघर कर रहा हूं। जाते हैं तो जाए, मैं नहीं रोकूंगा इन्हें। धर्म के अंधकार का विष जिसको डसता है वो प्रकाश से स्वयं ही अपना मुख मोड़ लेता है। और पुंडलिक ने भी वही किया आज। उसने अपने माता पिता को नहीं अपितु अपने घर के अच्छाई और पवित्रता के प्रत्येक अंश को विदा कर दिया है। किंतु प्रभु, ये कैसा न्याय है? वचन तो पुंडलिक ने लिया था तो पाव तो उसे ही खोना था, दरिद्र भी उसे ही होना चाहिए था। किंतु यहाँ तो उसके विपरीत जानुदेव और देवी सत्यवती को सब कुछ खोकर वन जाने पर विवश होना पड़ रहा था। ये कैसा त्याग है ताऊ जी? पहले आपने अपना घर छोड़ा, अब आप अपना गांव भी छोड़ रहे हैं। आपने अपना सब कुछ खो दिया। नहीं पुत्र, संसार के बंधनों के आगे आगे भगवान का आसरा है, उनकी भक्ति है और वही सर्वोच्च है। हमारी भक्ति हमारे साथ है, हमारे भगवान हमारे साथ हैं, तो सब कुछ हमारे पास है। जो अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठुकराते हैं
उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ शेष नहीं रहता। इसीलिए आज अपना सर्वस्व तो पुंडलिक ने खोया है। गंगा स्नान का पुण्य है, माता पिता का आशीष, माता की ममता की पवित्र सरिता घर पर ही बहती है। जो इस सत्य को पहचान लेते हैं उन्हें जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष के भी द्वार खुल जाते हैं। और जो ये सत्य नहीं जान पाते अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठोकर मारते हैं। वो सब कुछ होते हुए भी दरिद्र हो जाते हैं। वो सब कुछ होते हुए भी दरिद्र हो जाते हैं। अब मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। ना आई, ना पिताजी, ना वो दिवाकर जो सदैव मुझ पे दृष्टि बनाए रखता था। अब मैं अपनी चंद्रकला से मिलने के लिए सदैव सदैव के लिए स्वतंत्र हूँ। पुंडलिक तो अब अपने विचारों से, अपने आचरण से दरिद्र हो चुका था। जिन माता पिता ने उसके अपराध को गुप्त रख उसके मान की रक्षा की, उन्हीं की चिंता नहीं थी उसे। उसे तो बस विचार था अपनी उस इच्छा का जो चंद्रकला से जुड़ी थी और जो उसे उसके सर्वनाश की ओर ले जा रही थी। अब यहाँ के सारे धन पर मेरा अधिकार है और जो मेरा है वो मेरी चंद्रकला का है। मैं उसे यहाँ का संपूर्ण धन उसके जन्म दिवस पर उपहार के रूप में दे सकता हूँ। बस इन दोनों से पार पाना है मुझे। उसके बाद मेरे और मेरी चंद्रकला के बीच कोई नहीं आएगा। मेरे सिवाय किसी और का विचार मत कीजिए स्वामी। मुझे पता है आप अपने माता पिता को लेकर विचलित हैं। व्यर्थ में ही विचलित हो रहे हैं आप उन्हें लेकर स्वामी। नीचता की प्रकाष्ठा ही कर दी थी उन्होंने, तो दंड तो मिलेगा ही ना। अच्छा हुआ स्वयं अपना दंड और अपराध स्वीकार कर लिया उन दोनों ने। अन्यथा भगवान दंड देते तो पता नहीं कितना कठोर दंड भुगतना पड़ता उन्हें। ऐसे ढोंगी भक्तों से पिंड छूटना ही भला है। और फिर से चोर आ भी गए तो कोश नहीं खोल पाएंगे। मैंने ताला बदल दिया है। ये रही चाबी। ये चाबी गृह स्वामिनी के पास ही होनी चाहिए। मुझे अपना दायित्व भली भांति ज्ञात है स्वामी। ये चाबी सदा मैं अपने पास रखूंगी। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। हाँ, यही उचित रहेगा। उचित अनुचित का भेद तो मैं मिटाऊंगा। ताला बदल लो, बड़ा ताला लगा लो, किंतु चंद्रकला के लिए उपहार ले जाने से मुझे नहीं रोक सकोगे तुम मालती। इस बार तो स्वयं तुमने ही उसे जाने दिया ना, रोका भी नहीं। अब वो नहीं आया तो चंद्रकला जो सोच रही है वो सचमुच बहुत बड़ी पहेली है। चिंता मत करो माँ, सुलझेगी पहेली। बस इतना समझ लो कि मेरी प्रसन्नता में ही पुंडलिक की प्रसन्नता है। इस बार चंद्रकला को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई बड़ा दांव खेला है। भूख लग रही है मालती, कुछ भोजन मिलेगा? चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं अभी आपके लिए शीरा बना के लाती हूँ। चलो पुत्री, मैं भी तुम्हारी सहायता करती हूँ। चलो। उपहार तो केवल एक दिखावा है। मेरा उपहार तो आप हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं,
आज जन्मदिन है तुम्हारा, मुझे तुम्हें उपहार तो देना ही चाहिए। मैंने वचन दिया है तुम्हें। अंततः वो हो ही गया जो तुम चाहती थी। हाँ बोल, मेरा है उसे बस मेरा ही रहना चाहिए, उसको बस और बस मेरा ही अधिकार होना चाहिए, उसे मैं किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। कोश मेरा, घर मेरा और मेरे स्वामी पुंडलिक भी बस और बस मेरे। पुत्री, घर और कोष तो तुम्हारा हो गया, किंतु पुंडलिक, क्या पुंडलिक भी तुम्हारा है, बस तुम्हारा? बैजंती बुआ ने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए है, पंछी के पर देखकर उसकी उड़ान समझ जाती हूँ मैं। मुझे पता है पुंडलिक को अभी भी अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई हो तुम। किंतु ये इतना कठिन नहीं है, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। पुंडलिक को अपने हाथों में लेना है, उससे नित नए उपहार लेने हैं, अपना कोष आभूषणों से भरना है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्री। बस तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना है जैसा मैं अपने पति के साथ करती थी। सुनो। नहीं बुआ, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप भी बस कीजिए। अब मुझे निकलना चाहिए। ओ, हुआ। स्वामी के लिए जल लाना तो मैं भूल ही गई, आप ले आएंगे क्या? हाँ, अभी लाती हूँ। स्वामी, स्वामी। हमें तो यहाँ अभी तक आए ही नहीं। तो क्या स्वामी चले गए? कहाँ गए होंगे वो? उठाए ढूंढ रहे हो कैसे मिलेगी चंद्रकला, शीश झुका के हृदय में देखो, वहीं बसी है चंद्रकला।
तुम्हें निहारे बिना हम रह नहीं सकते। कोई और ऐप है तो बताओ। आप लौट आए, मुझे विश्वास था आप अवश्य आएंगे, किंतु कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने, कितनी रात बीत गई। एक पल तो मुझे लगा था कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने, मुझे तो आना ही था। तुम्हारी प्रतीक्षा के एक एक पल का सुनहरा फल मिलेगा तुम्हें। मेरे लिए भांति भांति प्रकार के पकवानों की व्यवस्था की, और मैंने तुम्हारे लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों की व्यवस्था की है। कितना प्रेम है मेरे पुंडलिक को मुझसे, मैं व्यर्थ ही शंका में पड़ गई थी। बस हुआ, ये समय सीख देने का नहीं है। मालती, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी सेवा भावी हो, वो भला कहीं कहीं और कैसे जा सकता है। तो लीजिए मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ है जो भी उन्होंने मुझसे कहा वो झूठ था। अर्धांगनी और अर्धांग दोनों का जीवन में समान अधिकार है, और समान रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष में भागीदार भी। प्रेम नहीं था, बस दिखावा था। व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ। चंद्रकला, अब सोच विचार छोड़ो, आओ सभी आभूषण दिखाता हूं तुम्हें। आप मेरे लिए इतना कुछ लेकर आए, ये पर्याप्त है मेरे लिए, किंतु अब दो पल शांति से तो बैठिए मेरे साथ। सच कहूं, इससे अधिक सुख मुझे कहीं और नहीं मिलता। आनंद आ गया, पुत्री तो मेरी ही है चंद्रकला, और ये उसकी कला ही तो है जो एक ही दाव में इतने आभूषणों का भंडार लगा दिया इस पुंडलिक ने। छोटी सोच वाले को छोटा ही सूझता है। अब मेरी दृष्टि से कुछ छिप नहीं सकता खेती भाई, धन आभूषण जो भी दिया है इसका कुछ भाग तो मुझे भी मिलना चाहिए। छोटी सोच वाले को छोटा ही सूझता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं दया कर, अभी उसकी सारी संपत्ति तो आने दो। शीघ्रता करो पुत्री, इसकी शेष संपत्ति भी अपने नाम करवा लो। भूलो मत मेरी प्यारी माँ, क्या वचन दिया था मैंने आपको कि जो कुछ भी उसका है सब मेरा होगा। क्योंकि पुंडलिक को प्रसन्नता मिलती है मुझे प्रसन्न देखने में, और मेरी प्रसन्नता इसमें है पुंडलिक के। समझ गई चंद्रकला, निपुण हो गई हो कला और कलाकारी में। कर अपनी छोटी सी बुद्धि को कष्ट मत दो, नहीं तो कष्ट में पड़ जाओगे। बस मैं जो कहती हूं वो शांति से करते चलो। मदिरा पीजिए।
ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें निहारे बिना रह नहीं सकती, कोई और ऐब हो तो बताओ। कितनी भाग्यशाली हूं मैं जो आप मुझे मिले। इतना प्रेम कि संपूर्ण कोश ही ले आए। सौभाग्य तुम्हारा नहीं, मेरा है जो तुम मुझे मिले। तुम्हारे लिए कोश तो क्या, सब कुछ। किंतु आपकी पत्नी मालती? वचन दिया था ना उन्होंने कि मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, मेरे सिवाय कोई और के जीवन में नहीं है, कहा था ना उन्होंने। तो फिर इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया मेरे साथ? क्या उनके मन में मेरे लिए इतना सा भी प्रेम नहीं है? मैंने तुम्हें वचन दिया है, मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो और कोई नहीं। किंतु तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? उसका नाम क्यों ले आई हम दोनों के बीच में? बस आपके मुख से सुनना चाहती थी कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है। मिल गया तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर। पुत्र पुंडलिक व्यसनों में डूबा तो नहीं जा रहा है? मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? पुत्र दिवाकर, तुम हमारे लिए जो कुछ भी कर सकते थे कर चुके, अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ। सत्य कहा ना देवी? अब पुत्र दिवाकर को अपने पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए ना? किंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आप दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता मैं। अब वन ही हमारा भाग्य है, किंतु तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन तुम्हारे सामने है। किंतु मेरा भविष्य तो आप दोनों के साथ रहने से ही निर्धारित होगा। जब मैं आपसे ज्ञान लूंगा, जीवन की सीख लूंगा, आप दोनों की सेवा करूंगा। किंतु पुत्र? पुत्र भी कहते हैं और जाने के लिए भी कह रहे हैं, पराया भी बना रहे हैं मुझे। किंतु मैं अभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता, जब आप दोनों को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। और वैसे भी घर छोड़ते हुए आपने ही तो कहा था ना ताऊ जी, जिसके पास भगवान होते हैं उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप दोनों ही हैं। इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए कहकर मेरा सब कुछ मुझसे मत छीन। यही कामना है मेरी, प्रभु गोपाला संसार की सारी प्रसन्नता तुम्हारी झोली में भर दें। प्रभु गोपाला ने तो पहले ही आपकी प्रार्थना सुन ली है ताऊ जी, मेरी सारी प्रसन्नता तो आपके चरणों में ही है। पुत्र पुंडलिक भी ऐसे ही सोचता तो कितना अच्छा होता। आपके माता पिता? मेरे माता पिता का क्या, उनके लिए मेरा भी त्याग कर देंगे? मैं उनकी चिंता क्यों करूं? वो तो मुझे छोड़कर चले गए। और आपने उन्हें रोका भी नहीं? ये हमारा भाग्य है, बस यही कामना है कि उससे कोई भूल ना हो। मुझे उसकी चिंता है स्वामी। धन्य हैं आप दोनों, जिस पुत्र के कारण आप दोनों यहाँ वन में भटक रहे हैं, अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं आप। और एक और वो हैं, जिसे आप दोनों के लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हुक लेता, पर वो
पुंडलिक चंद्रकला के बीच आधा बन रहे थे। अब अन्य किसी की बात मत करो, जो भी बात होगी तुम्हारी और मेरी बात होगी। अन्य किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, सिर्फ मैं और मेरी चंद्रकला। संभल के बैठिए ना। मैं यहां हूं तो आपको उठने की क्या आवश्यकता है? आप आदेश दीजिए, आपको जो चाहिए मैं प्रस्तुत कर दूंगी। मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। न देखो तपती दृष्टि से पिघल रही है चंद्रकला, ऐसे क्या देख रहे हैं? अब तुम नहीं, मैं प्रश्न पूछूंगा। आज यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारे जन्म दिवस पर उत्सव नहीं, क्या सच में खत्म हो रहा होता? आपके बिना तो मेरी श्वास भी नहीं चलती। वो मेरी सुने ना सुने मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। हर माँ के लिए अपनी संतान उसके हृदय का टुकड़ा होती है। उसे थोड़ी भी ठेस पहुंचे तो पीड़ा माँ को ही होती है। सत्य कहा देवी, संतान तो माता पिता के अंग का ही एक भाग होता है। भला कौन माता पिता अपने एक अंग को विलग होते देख सकता है? हम तो बस उसके भले की ही कामना कर सकते हैं। मैं तो अपने पुत्र की भलाई की ही कामना कर रही हूँ स्वामी, किंतु उसे लेकर एक चिंता है मेरे मन में। उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? माता पिता का प्रेम स्वार्थ के लोभ में लिपटा नहीं होता। जो भी व्यक्ति इसे ठुकराता है उसे संसार ठुकरा सकता है।